तो अभी भी वो एक एल्बम कर रहा है। सो गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि कुछ महीनों पहले द अलाहाबादिया शो पे हनी पाजी का पॉडकास्ट आया था। सो उसी वाले शो पे कल रात गिप्पी ग्रेवाल का भी पॉडकास्ट आया है, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही बड़ी चीज रिवील की है, अंग्रेजी बीट के बारे में एक बहुत ही शॉकिंग चीज बताई है जो कि आज से पहले किसी को भी नहीं पता थी। साथ में उन्होंने IV2 के अंदर हनी पाजी के साथ वाले सॉन्ग के बारे में भी बात की है। आप लोग दोनों क्लिप्स देख लो। कई बार ये बात डिस्कस भी हुई है, जब अंग्रेजी बीट गाना आया तो वो मुझे सबसे ऐसे लगा कि हनी ने बोला कि यार मैं एल्बम कर रहा हूँ, इसमें एक गाना करना है बाजी, तो मुझे लगा कि यार हनी की एल्बम है, एक फेवर ही है इसके लिए, तो वो गाने पे सबसे कम काम हुआ कि जैसे बिल्कुल ही काम नहीं हुआ। और उसका म्यूज़िक एक बीट थी बनी हुई, फटाफट एक छोटे से उसमें लेके हमने गाया, तो डमी टाइप ही गाया था कि इसको फाइनल करेंगे। और उसका म्यूज़िक वीडियो मुझे आज भी याद है कि हमने थाईलैंड शूट किया, तो मैं कनाडा से आया, तो बहुत उस वक्त का महंगा वीडियो था। तो आफ्टर दैट वो जो वीडियो डायरेक्टर थे उनके साथ कुछ किसी का हनी का कुछ उन्होंने कुछ बोल दिया, पता नहीं क्या हुआ, मैं सब हो गया। तो हनी कहता कि हमने ये वीडियो नहीं करना। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा कि ऐसी ऑडियो निकाल दो, ओके है। तो ऑडियो हो गया, ऑडियो इतना हिट हो गया कि कंपनी वाले कहते कि हमें वीडियो दो, वीडियो दो, वीडियो दो। हनी कहता जितना पैसा उन्होंने वीडियो के लिए दिया था वो तो थाईलैंड ख़त्म हो गया, तो कहता यहाँ पे पाजी कर लेते हैं। तो 50-60 हज़ार में उसका वीडियो बना, ठीक है, वो हम स्कूटर लेके खड़े हैं, ये वो बला बला, और वो इतना हिट हो गया गाना, बाद में कॉकटेल में आ गया, कहाँ तक चला गया। मतलब हिट का कोई फॉर्मूला नहीं है एक्चुअली। तो मैं आपको बताऊँ, मुझे लगता है कि मैं और हनी 10-12 साल से नहीं मिले, तो अभी भी वो एक एल्बम कर रहा है, तो जिसमें उसने मुझे बोला है कि भाई गाना करना ही करना है, हमने इतने टाइम से गाना नहीं किया, तो मैंने गाना बनाया है, प्लीज़ आप आओ। तो कम से कम मुझे लगता है कि 1 साल हो गया इसको प्लान करते हुए कि मैं इस दिन दिल्ली आऊंगा। खैर इसके अलावा कल रात हनी पाजी एक वीडियो शेयर करते हैं जिसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स हनी पाजी को कितना बड़ा ट्रिब्यूट दे रहे हैं, आप लोग देख लो। गाइस एक बार सारे इधर देखो, सारे इधर देखो, आज अभी यहाँ पे एक एक्ट होने वाला है फॉर द गाय हु मेड आवर चाइल्डहुड मेमोरेबल, हनी पाजी। लॉकर कर पे है, फिर लॉकर फोन रख ले पर पुली ना हो ना चार्जर, फिर एक पैक चार्जर होल्ड ऑन इजी इजी प्यार जो कि हनी पाजी ने कमाया है। खैर अभी के लिए बस इतना ही, यहाँ तक आए हो तो लाइक का बटन दबा के जाना, साथ में कला स्टार सॉन्ग पे जल्दी से जल्दी 1 मिलियन कमेंट्स करा दो। बाकी मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।